कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोटा कलेक्टर ने रोकी कोचिंग सेंटर में टेस्ट परीक्षाएं। अगले दो महीने कोटा में नहीं होंगे कोचिंग एग्जाम। एक ही दिन में दो छात्रों ने की आत्महत्या। आत्महत्या के मामलों पर कलेक्टर का बड़ा फैसला। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोटा से हम आपको बता रहे हैं। कोटा कलेक्टर ने कोचिंग सेंटर में टेस्ट परीक्षाओं को रोक दिया है। अगले दो महीने कोटा में नहीं होंगे कोचिंग एग्जाम। एक ही दिन में दो छात्रों की आत्महत्या। आत्महत्या के मामलों पर कलेक्टर ने ये बड़ा फैसला किया है। उसको देखते हुए एक अलार्मिंग सिचुएशन कोटा के लिए बनी है कि वास्तव में ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि एकदम से इतने बच्चे बार बार सुसाइड कर रहे हैं। उसको लेके स्टेट लेवल जो कमेटी बनाई हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अध्यक्षता में, उस कमेटी की कोटा की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल पर प्रतिनिधि है और यहाँ के अधिकारी है, उनके साथ आज एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई है। फॉर्मल मीटिंग तो 2 तारीख को कोटा में रखी जाएगी, उसे पूरी कमेटी जयपुर कोटा आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी मीटिंग यहाँ हुई है। उसका मकसद ये था कि एक तो ऐसे कुछ इमीडिएट रीजंस तलाश किए जाएं कि तत्काल इस कार्य को रोकने के लिए, ऐसी घटना को रोकने के लिए ऐसे टेम्प्रेरी मेजर्स क्या किए जाएं कि इमीडिएटली ऐसी चीज़ें में कमी आ सके, और एक लॉन्ग टर्म के स्टेप्स क्या लिए जाएँ जिससे आगे के लिए इसका प्रस्ताव लिया जा सके। तो इमीडिएटली हमने जो डिस्कशन हुआ है उसकी वजह से ये रखा है कि जब भी 2 महीने तक जैसे किसी भी कोचिंग में कोई भी टेस्ट नहीं हो, कोई एग्जाम नहीं होगा, तो बच्चे का जो टेस्ट का फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, एक छुट्टी हमने और कर दिया बुधवार को, जो इनका बच्चों की सुबह जिसकी शिफ्ट है उसकी हाफ, एक शिफ्ट जैसे 6 से 12 किसकी है तो हाफ टाइम तो उसकी होगी पढ़ाई, और हाफ टाइम उसकी होगी फन क्लास लगेंगी, उससे पढ़ाई की बात नहीं होगी, फन के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज़ होंगी। इस तरह इसकी हाफ आफ्टरनून में कोचिंग में शिफ्ट है उसकी भी हाफ टाइम में उसकी पढ़ाई होगी, हाफ टाइम में उसकी फन क्लास होगी। तो एक तरह से उसका आधा दिन उसको और मिल गया अपने फन क्लासेस के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, उसका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए।